गढ़वा के लिए इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। मंत्री मिथिलेश ठाकुर को आया अश्लील वीडियो कॉल, मंत्री ने बताया विरोधियों की साजिश। झारखंड के मंत्री श्री गढ़वा विधायक मिथिलेश कुमार ठाकुर ने अपने सोशल मीडिया पर एक वीडियो अपलोड कर जानकारी दी है कि उनके मोबाइल नंबर पर लगातार एक नंबर से वीडियो कॉल आ रहा था। जब उन्होंने कॉल उठाया तो दूसरी तरफ से अश्लील वीडियो आने शुरू हो गए। श्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने तुरंत उसे बंद किया। उन्होंने आगे कहा कि इसके बाद लगातार उसी नंबर से धमकी भरे कॉल आने लगे। मंत्री ने कहा कि वे इस संबंध में थाने में शिकायत दर्ज करवाने जा रहे हैं। मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने बताया कि ये विरोधियों की साजिश है और वे लोग अपना स्तर इस कदर गिरा चुके हैं कि इस तरह की हरकत कर रहे हैं। बताते चले कि अक्सर ऐसा होता है कि किसी को इस तरह से अश्लील वीडियो कॉल कर उसकी रिकॉर्डिंग कर ली जाती है और वीडियो को वायरल करने की धमकी देते हुए मुंह मांगी रकम वसूली जाती है या फिर कोई दूसरे काम की डिमांड की जाती है। इस तरह के कई मामले पहले भी होते रहे हैं। मंत्री मिथिलेश ठाकुर का कहना है कि विरोधी अपना निष्ठा की हद पार कर चुके हैं। इस बार के विधानसभा चुनाव में जनता इसका मुंह तोड़ जवाब देगी। जनता सब कुछ समझती है। 7756892 से लगातार वीडियो कॉल आ रहे थे और जब मैंने उसको ऑन किया तो उस पर अश्लील वीडियोज आने लगे। तुरंत मैंने उसे कट किया, नंबर को ब्लॉक किया और अभी तरह तरह की उस पर धमकियां आ रही हैं। ऐसे जो कारनामे किए जा रहे हैं अश्लीलता की हद है और ये मुझे पूरी तरह से जो हमारे विपक्ष के जो हताश साथी हैं उनकी साजिश लग रही है। मैं इस नंबर पर अभी थाने में कंप्लेन लिखवा रहा हूं और इसकी जांच करके इस पर कार्रवाई करने का निर्देश दूंगा। और इस तरह के फेक वीडियो जो लोग चलवा रहे हैं, जो लोग इसको इस तरह का ये कर रहे हैं, उन्हें मैं कड़ी चेतावनी देता हूँ कि ऐसी हरकतों से बाज आए और इस तरह की हरकत करके वो जनता को गुमराह नहीं कर सकते। जनता सब कुछ देखती है, जानती है, समझती है। धन्यवाद।